1 by root x को हम क्या लेंगे, कुछ भी a b c d आपको जो भी लेना मिली थी मैं बताती हूँ. पुट 1 by root x इज इक्वल टू, हमने ले लिया स्मॉल ए लेते हैं, ठीक है. आप u भी कुछ भी ले सकते हैं, s भी ले सकते हैं. और तो ये लिया हमने, इसको इक्वेशन 3 ले लेते हैं. 1 by root y इज इक्वल टू b ले लिया, इसको इक्वेशन 4 ले लेते हैं, ठीक है. अब वैल्यू और a और b का वैल्यू इसमें पुट अप करेंगे, ठीक है. सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ, या यहां लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, 4. 1, 2 और 3, 4 से ये हमारा हमारा सॉल्यूशन आएगा. तो मतलब हम a का 1 by root x का वैल्यू a इस इक्वेशन में पुट अप करते हैं, तो 2 upon 2a हो गया. 1 by root x means a, तो 2a plus 3b is equal to 2, ठीक है. तो ये हो गया इक्वेशन, हमने 4 तक लिख लिया, इक्वेशन 5 दे दें. सेकेंड में हो जाएगा 4a minus 9b is equal to minus 1, ये हो गया इक्वेशन 6, ठीक है. ये हो गया 1 by root x की जगह हमने लिख दिया a और 1 by root y की जगह b. अब ये जो हमारा वेरिएबल है ये न्यूमरेटर में आ गया है और लीनियर इक्वेशन बन गया है, ठीक है. अब हमको क्या करना है, अब हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड को यूज कर लेते हैं, ठीक है. इसके पहले मैंने सब्स्टिट्यूशन बताया, इसमें एलिमिनेशन बता देती हूँ. एलिमिनेशन में आपको मालूम है किसी भी एक टर्म को हमको इक्वल करना है, ठीक है, या तो बी वाले टर्म को या तो ए वाले टर्म को. मैं यहाँ बी वाले टर्म को इक्वल कर देती हूँ, तो क्या है यहाँ 3 है यहाँ 9 है. तो यदि हम यहाँ पर इक्वेशन 5 में 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 9 हो जाएगा. तो मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 में 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई पूरे इक्वेशन में करेंगे हम. 3 2 6 6 से प्लस 3 3 9b इज इक्वल टू 3 2 6, ये हो गया इक्वेशन 7. ध्यान से लिखते जाएंगे, आप लोग को नंबरिंग सही देना है, ध्यान से करेंगे. ये हो गया इक्वेशन 7. अब इस मेथड में क्या होता है, हम एक में से दूसरे को माइनस करते हैं, ठीक है. तो हम इक्वेशन 7 और इक्वेशन 6 इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे. क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 6 फ्रॉम इक्वेशन 7. इक्वेशन 7 से इक्वेशन 6 को माइनस कर देते, पहले 7 को लिख लेते हैं हम, ठीक है. 6 से प्लस 9b इज इक्वल टू 6, और हम लिख लेते हैं इसे 4a माइनस 9b इज इक्वल टू माइनस 1. देखिए ये मेरे से एक मिस्टेक हुई, मैंने पहले भी बताया था कि यदि ये जिसको हमने सेम किया है जिस टर्म को, यदि एक प्लस और एक माइनस में है तो हम वहां पर ऐड करेंगे, सबसेट नहीं करेंगे. तो ये क्योंकि एक प्लस एक माइनस में है तो यहां पर हम ऐड कर देंगे, ऐड इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 7, 6 और 7 को ऐड कर लेंगे. ऐड करेंगे तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा 6 और 4 10, ये कट हो गया इज इक्वल टू, ये हो गया 5, ठीक है. तो a इज इक्वल टू 5 upon 10 मीन्स 1 upon 2, a का वैल्यू आया 1 upon 2, ठीक है. आप क्या कर लेते हैं, अब हम इक्वेशन इसमें हम किसका वैल्यू रख दें, हमारे पास a का वैल्यू आ गया. a के वैल्यू को हम कहां पर रख दें, b वाली किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं. तो यहां पर रख लेते हैं इक्वेशन 7 में, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 7. इक्वेशन 7 में वैल्यू रख लेते हैं, तो 6 into 1 by 2 प्लस 9b इज इक्वल टू 6, 2 3 6 आ गया, फिर आया 3
प्लस 9b इज इक्वल टू 6, तो 3 यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो 9b इज इक्वल टू 6 माइनस 3, 9b इज इक्वल टू 6 माइनस 3 मीन्स 9b इज इक्वल टू 3 अपॉन 9, 3 बन गया 3 0 मीन्स b इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 है, ठीक है, b इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, ये हमने ले लिया इक्वेशन 8 और इक्वेशन 9। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम पहले ले लेते हैं, इक्वेशन 8 में हमको a का वैल्यू मिला है, ये है a का वैल्यू, तो 1 अपॉन रूट 6 फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 8, ये 3 और 8 से हम a का वैल्यू 3 में पुट अप करेंगे, तो 1 अपॉन रूट x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, ठीक है, तब क्या हो जाता है यहाँ पर रूट x इज इक्वल टू 2, ठीक है, ये यहाँ ट्रांसफर हो गया, यहाँ ट्रांसफर हो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो रूट x इज इक्वल टू 2, अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, तब क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, यहाँ हमने स्क्वायर कर दिया तो x इज इक्वल टू 4 आ गया। अब क्या लेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन, अब हमको b का वैल्यू निकालना है, ये y का वैल्यू निकालना है, तो 4 एंड 9, 4 एंड 9, 4 एंड 9 से हम क्या करेंगे, 1 अपॉन रूट y इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, तो रूट y इज इक्वल टू 3, तब y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फिर दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे, तो 3 फीजन 9, y इज इक्वल टू 9, यहाँ भी कर दिया हमने स्क्वायर, मतलब हमने दोनों साइड स्क्वायर किया, तो y इज इक्वल टू आ गया 9, स्क्वायर करते हैं तो रूट कट जाता है, ठीक है, अब क्या कर रहा है इसका वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन के लिए इस दोनों इक्वेशन में x और y का वैल्यू पुट अप कर देंगे, तो वेरिफिकेशन सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1 एंड 2, इसमें x और y का वैल्यू रख दें, तो 2 अपॉन रूट 4, x का वैल्यू 4 है, प्लस 2 अपॉन रूट 9, ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को कर रहे हैं हम पहले, क्या हो जाएगा 2 अपॉन रूट 4 मीन्स 2, 2 अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन 3 है ये, 3 अपॉन 3, 9 का रूट हो गया 3, ठीक है, 9 का रूट 3 है, ये कट गया, ये कट गया, तब क्या हो गया 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, ये देखिए 2 आ रहा है, मतलब कि हमारा आंसर सही है, एक्सर वाई का वैल्यू सही है, एक बार और देख लेते हैं, दोनों इक्वेशन में वेरीफाई करके देखते हैं हमको, 4 अपॉन रूट 4, ठीक है, प्लस 9 अपॉन रूट 9, क्या हो जाएगा 4 अपॉन रूट 4, 4 का रूट होता है 2, माइनस है यहाँ, माइनस 9 अपॉन 3, ठीक है, अब क्या हो जाएगा ये, इसका सेम करना पड़ेगा डिनोमिनेटर हमको, पहले कट कर देते टू टू जब टू माइनस थ्री थ्री का नहीं, टू माइनस थ्री मीन्स आया माइनस वन, ठीक है, चलिए और ये सही है मीन्स वेरीफाई, और हमारा आंसर बिल्कुल सही है कि के माइनस वन